हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वर्शन ऑफ टेंपरेचर इन्वर्शन ऑफ़ टेंपरेचर को जानने से पहले व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट दैट वी नीड टू नो फर्स्ट नॉर्मल लैप्स रेट में हमारे अर्थ सरफेस से ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेंपरेचर डिक्रीज होती है लेकिन इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर एक ऐसा फेनमिनल है जहाँ पर ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ यानी कि अर्थ सरफेस से आप जितनी हाइट ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होती जाती है तो इसे ही हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जब दिन के टाइम पर सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से अर्थ सरफेस वार्म हो जाती हैं तो अर्थ सर्फिस के पास वॉम एयर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऊपर की तरफ यानी कि अपर एटमोसफेयर में कूलर एयर दिखाई देगी लेकिन टेम्परेचर इन्वर्सन में ठीक विपरीत कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर कूलर एयर इज़ ट्रैप्ड बाई वॉर्म एयर तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कूल एयर इज़ ट्रैप्ड बाई वॉर्म एयर सो so, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर में यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनोमन हमें देखने को मिलती है एक इम्पॉर्टेंट फीचर uh, है इसकी कि कूल एयर इज़ ट्रैप्ड बाई वॉर्म एयर और जैसे कि मैंने कहा दिस इज अटेरियोलॉजिकल फेनोमिन अब इस इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर के द्वारा क्या क्या इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में पड़ती हैं वो देख लेते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है टू क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि जब भी इन्वर्जन ऑफ़ टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगी तब स्मॉग वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यानी कि स्मॉग की फॉर्मेशन होगी फॉग एंड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कोहरा uh, वाली जो सिचुएशन है वो जनरेट होगी लैक ऑफ़ प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो ये सारी जो कंडीशंस है वो हमें इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर में देखने को मिलती है इस कंडीशन में एयर uh, ट्रैप हो जाती है जैसे कि मैंने कहा और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाती है नियर अर्थ सर्फेस सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चलते हैं थैंक यू सो मच अन्भा भाई